A very good morning, 7th class. I hope you all are well and fine at home. So, as you all know that we are doing chapter number 5, acids, bases and salts. So, out of acids, bases and salts, we have completed all three, obviously. Acids, you know, are sour in taste, bases are bitter in taste, salts are neutral substances. We have done indicators, three types of indicators, turmeric, lichens and hibiscus or China rose. So today we are going to complete our chapter with new topic, neutralizations. So let's do it. Yes, so as you can see on the screen, today we are going to do neutralization. So neutralization process में ही उसका मीनिंग है। पहली चीज, जैसे ही शन वर्ड आ जाता है किसी भी वर्ड के पीछे, दैट विल बी अ प्रोसेस डेफिनेटली। और इसमें बेसिकली न्यूट्रल वर्ड भी आ रहा है, तो हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, और जो भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो ना ही एसिड्स होते हैं ना ही बेस होते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन, इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड हीट। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है एसिड एंड बेस के बीच में, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल हो जाता है, ना ही वो एसिडिक रहता है ना ही वो बेसिक रहता है। सो हेयर इज वन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस प्लस हीट। सो इफ वी वुड हैव इन द स्कूल, आई विल डेफिनेटली शो यू दिस, बट राइट नाउ क्योंकि हम स्कूल में नहीं हैं एंड वी हैव शॉर्ट रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज, एंड आई डोंट हैव लेबॉरेटरी केमिकल्स और यू कैन से आर्टिफिशियल इंडिकेटर फिनोफ्थलिन, बट आई कैन एक्सप्लेन। सो इफ यू कैन टेक एसिड एंड इंडिकेटर, हेयर वी हैव यूज फिनोफ्थलिन। फिनोफ्थलिन इंडिकेटर इज ट्रांसपेरेंट, जब आप उसे एसिड में मिक्स करेंगे तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सपोज यू हैव टेकन 5 ml ऑफ एसिड प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, उसके अंदर बेस डालेंगे। सो बेसिकली होगा क्या, जब तक ये एसिड रहेगा इसमें बेस की क्वांटिटी कम होगी, इसका कलर चेंज नहीं होगा, पर जैसे ही बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेस की प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो उस टाइम पे फिनोफ्थलीन बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर शो करेगा। वो पिंक कलर शो करेगा कि अब जो लिक्विड में है ज़्यादा बेस है, उसमें जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड दोबारा डालेंगे, आप उसे मिक्स करते रहिए मिक्स करते रहिए मिक्स करते रहिए, जब तक कि एसिड एंड बेस की क्वांटिटी सेम ना हो जाए। एसिड एंड बेस की क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो लिक्विड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। फाइन, तो जो पिंक कलर है वो शो करेगा कि इसमें बेस है, जब तक बेस मिलाते मिलाते मिक्स करते करते सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते करते उसका कलर बिल्कुल पिंक से डिसअपियर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो चुका है। जो सोल्यूशन है वो ना ही अब एसिड है ना ही अब बेस है, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। फाइन, सो व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, इसकी ज़रूरत ही क्या है हमको, हम तो इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते, हम थोड़ी नॉर्मली लैब में जाते हैं, बट यू नो वी ऑल आर यूजिंग दीज थिंग्स। न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं बहुत बार, और सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ इन डाइजेशन। जब आपको एसिडिटी होती है, हम एसिडिटी बोलते हैं मतलब एसिड बन रहा है स्टमक में, और जो आपको उसको ठीक करने के लिए दवाई पीते हैं, इधर इट इज़ डाइजीन, पेप्सिन, एनी एंटेसिड जो भी आप लेते हैं वो होते हैं बेस। तो आपको ऑलरेडी एसिडिटी है स्टमक में, आप बेस लेंगे, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस बनाएगा, मतलब वाटर फॉर्म करेगा और रिलीफ देगा। ऐसे ही बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं पर उसे समझते नहीं हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट वी आर डूइंग इन आर डे टू डे लाइव्स। सो हियर वी कम
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, इनडाइजेशन मीन्स एसिडिटी. होता क्या है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर टू में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जो कि जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको एक्टिव बनाता है. जर्म्स और बैक्टीरिया जो खाने में चले जाते हैं उनको किल करता है, तो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है. पर यही एसिड जब ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए और आप खाना ना खाएं, तो उस टाइम पे खाने को डाइजेस्ट करने के बजाय हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको खाने लग जाता है, उसमें अल्सर्स बनाता है, बेसिकली छाले बनाने लगता है. उस टाइम पे हमें स्टमक में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, और उसको दूर करने के लिए हम बेसिकली क्या पीते हैं, डाइजीन. और डाइजीन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एक तरीके का बेस है. तो जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, इसीलिए हमें कोई भी डाइजीन जैसी दवाई एसिडिटी में खाने पर या फिर ईनो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है. द नेक्स्ट यूज इज एंट बाइट्स, चींटी का काट लेना या फिर वैस्प का काट लेना, ततैये का काट लेना, मधुमक्खी का काट लेना, बड़ी ही तेज़ दर्द होता है. सो वो ऐसा क्या करते हैं, डंक जिसे हम कहते हैं जनरली, पर डंक एग्जैक्टली क्या होता है, डंक इज ओनली फॉर्मिक एसिड. वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं. जैसे ही वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में इरिटेशन कॉज करता है, हमें बहुत इरिटेशन होती है, दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन जैसे जल रहा हो, कई लोग इचिंग भी करते हैं. सो वो फॉर्मिक एसिड का हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन है. पर हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, अब वो एसिड है तो उसके ऊपर बेस लगाया जाएगा. अब इस केस में बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं, जिंक कार्बोनेट रब कर सकते हैं, कैलामाइन सोल्यूशन, लैक्टोकैलामाइन सोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो रब कर सकते हैं. तो ये सारे बेसिस हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं. एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है और इससे हमें दर्द में रिलीफ मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज सॉइल ट्रीटमेंट. नाउ हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, सॉइल का ट्रीटमेंट नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन. ये बहुत कॉमन है. क्यों, लोग अपने फील्ड्स में इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, बेसिकली एसिड्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है. और एसिडिक सॉइल प्लांट्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, नीदर फॉर प्लांट्स नॉर फॉर इंसेक्ट्स जो सॉइल में रहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. और उस चीज़ के लिए क्या होता है, अब इतने ज़्यादा एसिड्स आ गए हैं तो उस पर कुछ ग्रो नहीं हो जाता, तो वो इनफर्टाइल लैंड हो जाता है, बंजर ज़मीन हो जाती है जिस पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता. तो उस केस में क्या किया जाता है, उसमें बेस ऐड किया जाता है. नाउ इसके बारे में आपने कभी सुना तो है नहीं, सो इफ़ यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट बायोडाइवर्सिटी पार्क, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क इन दिल्ली, बहुत बड़ा एरिया है. पहले वो भी एक बेयर लैंड था, मीन्स काफ़ी एसिडिक था, और उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया बिकॉज बहुत बड़ा एरिया था, उसको स्टडी करके पता चला दैट दैट एरिया इज़ एसिडिक, सो दे कीप ऑन ट्रीटिंग इट विद बेस, बेस मिक्स करके उसका लेवल उसे न्यूट्रलाइज किया गया, एंड नाउ दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क ओवर देयर. सेम अगर फील्ड बेसिक है तो ऑब्वियसली उसमें एसिडिक ऐड करेंगे, पर आप उसमें और एसिड नहीं ऐड करेंगे, तो बेटर गो फॉर ऑर्गेनिक कंपोस्ट. ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स करने से उसके अंदर एसिड्स जो क्रिएट होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, एंड सॉइल विल बी परफेक्ट टू कल्टिवेट. नाउ कम टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फैक्ट्री वेस्ट. एज यू नो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उससे प्रोड्यूस होने वाले पोल्यूशन पर भी लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. फैक्ट्री वेस्ट बहुत बड़ा रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, फैक्ट्री सेटअप बढ़ रहा है, जिससे कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया. नाउ जो फैक्ट्री वेस्ट है वो एक चीज़ है, केमिकल्स जो उससे रिलीज़ हो रहे हैं दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. उन केमिकल्स को क्या करते हैं, अगर वो सॉइल में डालेंगे सॉइल पोल्यूशन है, वैसे नहीं छोड़ सकते, एयर पोल्यूशन हो जाएगा. तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ फैक्ट्री जो लिक्विड वेस्ट होता है, जनरली जो केमिकल वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है, लाइक रिवर.
अब ये जो एसिड है ऑब्वियसली वाटर को भी एसिडिक बनाएगा, और उसके एसिडिक होने से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो न्यूट्रलाइजेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन इन दिस। सो फैक्ट्री वेस्ट अगर एसिडिक है तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, वाटर बनाएंगे, और फिर उसे वाटर बॉडी में अगर डिस्चार्ज किया जाएगा तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, फिर वो वाटर बन गया। दैट कैन बी यूटिलाइज इन रिवर्स, इवन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो विद द टॉपिक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स यूजेज इन डे टू डे लाइफ, आई एम एंडिंग अप दिस चैप्टर। सो लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई मीन्स गिव रीजन्स। एंड एंटासिड टैबलेट इज टेकन वेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एंटासिड्स होते हैं बेसिस। तो क्वेश्चन में है वाई, आप हर एक सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन बनेगा। सो वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन वेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। क्यों लेते हैं उसे? टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव इफेक्ट ऑफ एसिड्स। एसिड बन रहा है, एसिडिटी में एसिड बन रहा है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ही तो एंटासिड टैबलेट्स लेंगे। सो नेक्स्ट वन इज कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। चींटी काटती है तो कैलामाइन सोल्यूशन क्यों डाला जाता है, लगाया जाता है? व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने पर वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है बॉडी में फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ एन एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घर में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, मम्मा आपके खाने में यूज़ करती हैं, उनको मॉइस्ट पानी के साथ थोड़ा सा गीला करके लगाएं। अदरवाइज यूज़ कैलामाइन सॉल्यूशन, दैट वुड और दैट विल न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। व्हाई? फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है वाटर बॉडीज में मिक्स करने से पहले? बिकॉज द एसिड इन द वाटर विल किल फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो एसिड वाटर में प्रेजेंट है वो फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड एंड बेसिस के बीच का रिएक्शन जिसमें क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिविटी। सो सेम एक्टिविटी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर बट नाउ इन पॉइंट्स। फिल टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, इट कैन बी मिथाइल ऑरेंज, इट कैन बी फिनोफ्थलीन। एड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें डालेंगे तब जब तक उसमें पिंक कलर नहीं आ जाता है। जैसे पिंक कलर आ जाएगा, नाउ एड वन ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पिंक कलर आने के बाद उसमें जितना ज़्यादा बेस डालेंगे उतना ज़्यादा वो न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। और इसे टेस्ट करने के लिए, जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसे टेस्ट करने के लिए अगर आप उसमें एक और ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो दोबारा से पिंक हो जाएगा। सो इट शोज, ये क्या बताता है, दैट इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज गेट मिक्स, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू नोट डाउन ओनली क्वेश्चन आंसर्स, नॉट द कंप्लीट नोट्स। सो विद दिस आई एम एंडिंग अप टुडेज क्लास। स्टे हेल्दी, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।